हीट इंजन इट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इंटू मैकेनिकल वर्क. मैकेनिकल वर्क हीट इंजन क्या करता है, पहला काम ये हुआ. अब गौर करो, यहां आपके सामने है एक सोर्स. सोर्स मतलब जिसका टेम्परेचर हाई है, और ये हो गया हीट इंजन, और यहां आ गया सिंक. तो सोर्स जो है वो एनर्जी दे रहा है किसको, हीट इंजन को, क्यू एच कह दिया. इसने उस एनर्जी में से कुछ पार्ट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया और बाकी बचे हुए एनर्जी को थ्रो कर दिया ये सिंक में जिसका टेम्परेचर लो है. अब यहां वर्ड आता है इफिशियंस. इफिशियंसी ईटा. तो यदि कहीं भी टर्म आता है इफिशियंसी, तो का मीनिंग एक ही हम लोग लेते हैं पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं भी, आउटपुट बाय इनपुट, यही है बेसिक आइडिया. अब सोचो ये हीट इंजन की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो ये तो वर्क हमें दे वही हमारा आउटपुट है, और हीट जो इसने एब्जॉर्ब किया है हाई से ये इनपुट है. और आप जानते हैं ये जो W होगा ना, उसके बदले लिख सकते हैं QH माइनस QL, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी QH से डिवाइड किया. तो ये जो हीट इंजन का इफिशियंसी अब हमें दिखने लगा, ये कितना दिखने लगा, 1 माइनस QL बाय QH. इफिशियंसी के लिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जितना हीट एब्जॉर्ब किया गया है और टोटल वर्क का, और यहां अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला. और इसी को जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम देखते हैं तो ये हो जाता है 1 माइनस टी लो बाई टी हाई. ये किसके लिए होता है फॉर्मूला, फॉर कार्नोट इंजन. एक थ्योरेटिकल इंजन है उसके लिए ईटा इफिशियंसी हो जाता है 1 माइनस टी लो बाई टी हाई, और इसको 3 स्टार या 5 स्टार बना दो. ये रखो सिंगल, ये डबल, ये ट्रिपल स्टार. आपको पता चल गया है कि हीट इंजन जो है अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं. पहले यहां तक पहुंचो, अपने कॉपी पे नोट करो, 2 मिनट रिलैक्स करो. हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जो हायर टेम्परेचर रीजन से हीट एब्जॉर्ब करेगा, और उसमें से कुछ पार्ट मैकेनिकल वर्क के फॉर्म में देगा और रिमेनिंग एनर्जी को थ्रो कर देता है सिंक में. मतलब हीट इंजन के वर्क करने के लिए
दो रीजन, दो ऐसा एक रीजन होना चाहिए जिसमें एक का टेम्परेचर हाई हो और एक का टेम्परेचर लो हो, तब ये मशीन काम करेगा। और हाई से जितना एनर्जी लेगा वो 100% वो वर्क में नहीं कन्वर्ट करेगा, कुछ ना कुछ लो को जरूर देगा। और कार्नोट इंजन जो होता है, सर हाँ बोलो, लक्ष्मण, आपने W के बाद क्या किया है? W के बाद रहस्य है। यहाँ एनर्जी देख रहे हो, इंजन के पास कौन सा एनर्जी आया? क्यों है? वो कहाँ कहाँ बटा? सर एक कुछ वर्क में कन्वर्ट हो गया और कुछ सिंक में चला गया। मतलब बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यू एच बराबर डब्ल्यू प्लस क्यू एल। तो तुम्हें क्या ये अकल में नहीं आ जाएगा ओके कि सर, डब्ल्यू के बदले क्यू एच माइनस क्यू एल लिख सकते हैं? ओके सर, तो ईटा का वैल्यू इसलिए ये आ गया, और इसी से कन्वर्ट होके ये आ जाएगा क्यू एच बाई क्यू एच माइनस क्यू एल बाई क्यू एच, और फिर ये कन्वर्ट होके क्यू एल बाई क्यू एच, और फिर ये कन्वर्ट होके कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया, वन माइनस क्यू एल बाई क्यू एच, और वहां से ये चला आया यहाँ पे। किसके लिए? कार्नोट इंजन के लिए हम लोग कहते हैं ईटा इक्वल्स टू वन माइनस टीलो बाई टी है। यहाँ ये जरूर मेंशन करिएगा टी लो एंड टी हाई मस्ट यूज इन केल्विन। यदि किसी और फॉर्मेट में यूज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। टी लो एंड टी हाई मस्ट यूज इन केल्विन। टीएच क्या है? सर टीएच क्या है? इंजन का चित्र देखो, उसमें टीएच क्या है? चैप्टर का नाम ओके क्या है? हीट। टीएच है हायर टेम्परेचर। सर, टीएल क्या है? लोअर लो टेम्परेचर, टेम्परेचर। टीएच क्या है? लो टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर। सोर्स। टीएच है टेम्परेचर ऑफ सोर्स। टेम्परेचर ऑफ सोर्स। टीएल क्या है? लोअर टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ सिंक। सिंक में, किचन में सिंक होता है तो उसमें पानी वानी गिराते हैं, थाली वाली रख देते हैं खाना खा के, सिंक में थ्रो करते हैं कुछ भी। तो इसी तरह ये सोर्स हुआ जहां से हीट लिया गया, इंजन ने हीट लिया, कुछ मैकेनिकल वर्क दिया, और बाकी बचे हुए हीट को क्या किया इसने? थ्रो कर दिया। तो हीट इंजन क्या करता है? एक ऐसा मशीन है जो क्या करता है, हायर टेम्परेचर रीजन से हीट लेता है, कुछ मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है, और बाकी बचे हुए हीट को लोअर टेम्परेचर रीजन वाले जगह पर थ्रो कर देता है। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, और लगे कि समझ में आ गया तो ओके। आप मुझे ये बताइए, यहां एग्जाम्पल कैसे पूछ सकता है? आप कहोगे कि सर ये मैं कैसे बताऊं, आप ही बता दो। लियो एग्जाम्पल पे नंबर 21 पे मिल जाएगा, केवल इतना कहने से। फाइंड आउट इफिशियंसी, ईटा कहते हैं इसे, क्या पढ़ते हैं इसे? ईटा, अल्फा बीटा का भाई है, एन का पूंछ बड़ा कर देते हैं तो ईटा बन जाता है। ईटा फाइंड आउट फाइंड आउट इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन T1 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्व कैसे करोगे अब ये बताओ।
तो हमने फॉर्मूला रट्टा मार लिया, इफिशियंसी 1 माइनस टी लो बाई टी हाई, बताओ टी लो कितना हो गया 400 के, टी लो हो गया 300 और टी हाई हो गया 400, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/4 या इसे कह सकते हैं 25%। इतना कहने पर नंबर मिल जाता है, क्या ये बहुत कठिन काम है? सोचो और बताओ। हीट इंजन और कार्नोट इंजन में क्या डिफरेंस है? अभी के क्वेश्चन में क्या कुछ चर्चा किया गया है? नो सर। तो आपको करना क्या पड़ेगा सर? आंसर परसेंटेज में देना। दोनों में ये तो डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन कैसा दिया गया है। यदि ऑप्शन परसेंटेज में है और आप 1/4 ढूंढ रहे हो और इसलिए क्वेश्चन छोड़ के चले आओगे तो बेवकूफी तुम्हारी है। तो दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल रहता है एफिशिएंसी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां तक छपाई हो गई, चेंज करूं पेज? यस सर। फाइंड आउट एग्जांपल देखिए, फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ इंजन, हीट इंजन वर्किंग बिटवीन T1 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T2 327 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्व करते वक्त क्या लिखोगे? इफिशियंसी इक्वल्स टू 1 माइनस टी लो बाय टी हाई, 1 माइनस टी लो ये 127 और 273 400 और 127 और 327 500, ये हो जाएगा 1/5 सर, 600 होगा सर, 600 हो गया, सॉरी तो ये 2/6 1/3 हो जाएगा 33%। कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। अगला क्वेश्चन पूछूं? यस सर। फाइंड आउट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन व्हिच इज working between 27 degree C and 327 degree C। solve करते वक्त efficiency क्या लिख लोगे? 1 minus T low by T high, 1 minus 300 by 600 equals to 1 minus 1/2, ये 1/2 हो गया, या इसे कह सकते हो 50%। यदि लगे कि ये कठिन है तो मैं थोड़ा और इस पे टाइम लगाऊंगा, और नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये चेंज करूं? यस सर। ध्यान से देखिएगा,
कार्नोट कार्नोट थ्योरम मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन व्हिच इज वर्किंग बिटवीन temperatures TH and TL will be efficiency of the Carnot and Carnot engine, which is given by eta equals to 1 minus T low by T high. ये क्या कह रहा है? दो temperature range के बीच में है. आप कितने भी इंजन डिजाइन कर लो, जो मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगा वो मिलेगा कार्नोट इंजन का, और वो इफिशियंसी कितना होगा? 1 minus TL by TH. इससे ज्यादा इफिशियंसी वाला इंजन नहीं बन सकता. इसको दूसरे वर्डिंग्स में क्या लिख सकते हैं? In other words, there is no heat engine has efficiency higher than 1 minus TL by TH of the Carnot engine. मतलब आप कोई भी हीट इंजन ले लो, उनकी जो इफिशियंसी है कार्नोट इंजन से ज्यादा नहीं हो सकती, ये कहता है कार्नोट थ्योरम. तो आपके मन में ये विचार आएगा कि कार्नोट थ्योरम आखिर किस तरह से वर्क करता होगा. एक और आइडिया यहां कंसेप्ट आप सेट कर लें कि इफिशियंसी जब लिखते हैं ना, क्या लिखते थे? W by QH. इसको दूसरे वर्डिंग्स में मैं बताता हूं. इफिशियंसी ऑफ एनी साइक्लिक प्रोसेस इक्वल्स टू W by QH. इसको फिर से लिख दो. टोटल वर्क बाय सम ऑफ हीट सप्लाइड ओनली. जो टोटल वर्क होगा
उसको किससे डिवाइड करेंगे, जो सिस्टम को हीट दिया गया होगा साइक्लिक प्रोसेस में उनके सम के बराबर, क्योंकि हीट या तो दिया गया होगा या सिस्टम से बाहर आएगा, तो सिस्टम से बाहर आया वो तो क्यू एल वाले का पार्ट होगा, और जो सिस्टम को दिया गया वो क्यू एच वाले का पार्ट होगा, तो टोटल वर्क अपॉन सम ऑफ हीट सप्लाइड ओनली। ये इफिशियंसी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम सोचेंगे, टोटल वर्क सम ऑफ हीट सप्लाइड ओनली, टोटल वर्क सम ऑफ हीट सप्लाइड ओनली। क्या यहां चेंज करूं पेज? यस सर। आप कार्नोट इंजन वर्क्स थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस विच हैज फोर स्टेप्स, फर्स्ट आइसो थर्मल एक्सपेंशन, सेकेंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड आइसो थर्मल कंप्रेशन, फोर्थ एडियाबैटिक, जहां से चलना शुरू किया वहीं वापस आएगा तभी तो साइकिल, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। कार्नोट इंजन जो है वो वर्क करेगा थ्रू ए साइक्लिक प्रोसेस विच हैज फोर स्टेप्स, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। आपको ये डायग्राम से बेहतर याद रहेगा मैं उम्मीद करता हूं। आप क्या करें, एक पीवी डायग्राम में इसे देखें, ऐसे जब आप बनाते हैं तो ये आइसोथर्मल है हाई टेम्परेचर वाला और ये आइसोथर्मल है लो टेम्परेचर वाला, और यदि इसमें आप ऐसे एक कर्व लें ज्यादा स्लोप वाले, ज्यादा स्लोप वाला कर्व याद करो एडियाबैटिक हुआ करता था, तो पहला हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा हो गया आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा हो गया एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये चार स्टेप्स हैं और ये फिगर है किसका, कार्नोट साइकिल का। कार्नोट साइकिल तो कार्नोट साइकिल में कितने स्टेप्स हैं वो दिख गया, चार स्टेप्स हैं। पहला आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा एडियाबैटिक कंप्रेशन।
आइसोथर्म जो है दो, वो एक टीएच वाला है और एक टीएल वाला है। आपको यदि यहां इफिशियंसी लिखना होगा ना, ये कह देते हैं ए, ये कह देते हैं बी, यहां पर है सी और यहां है डी। तो आप देखिएगा डी क्यू ए बी जो हो जाएगा वो डी यू ए बी प्लस डी डब्ल्यू ए बी हो जाएगा, और यहां से ये आपको पता है कि जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये एक्सपेंशन है तो ग्रेटर देन जीरो। डी क्यू भी जीरो से बड़ा है और डी डब्ल्यू भी जीरो से बड़ा है। डी क्यू बी सी और डी क्यू डी ए ये तो जीरो ही होगा क्योंकि ये एडियाबैटिक था, तो लफड़ा ही नहीं है। और डी क्यू सीडी जो होगा, डी क्यू सी डी ये तो हो जाएगा डी डब्ल्यू सी डी के, जो कि लेस देन जीरो है, ये तो नेगेटिव हो गया। तो हम लोग इफिशियंसी कैसे लिखते थे, वर्क डन नेट अपॉन सम ऑफ हीट सप्लाइड ओनली। डब्ल्यू नेट इक्वल्स अपॉन सम ऑफ हीट सप्लाइड ओनली। तो यहां ईटा जब आप देखेंगे, वर्क डन नेट हो जाएगा डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए, और जो नीचे आप देखेंगे वो नीचे आ जाएगा डी क्यू ए बी। वो आ जाएगा डी क्यू ए बी। और आप जब थोड़ा कोशिश करेंगे तो डी क्यू ए बी तो आप पहले ही लिख चुके ना कि डब्ल्यू ए बी के बराबर है। क्या मैं अगले पेज पे चलूं? नो सर। इसमें डी क्यू सी डी नहीं है? बताइए, इसमें डी क्यू सी डी भी नहीं आएगा? अच्छा, ऊपर वाले, उससे ऊपर वाले लाइन में क्या लिखा है, सम ऑफ हीट सप्लाइड ओनली। डी क्यू सी डी जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव। वो सप्लाइड कहलाएगा या इजेक्टेड कहलाएगा? इजेक्टेड। आपने क्या देखा था, हीट इंजन क्यू एच होता था वो जो हीट एब्जॉर्ब किया गया, मतलब बाहर से किसी ने सिस्टम को दिया हीट, वो था क्यू एच, और क्यू एल था जो सिस्टम से बाहर भगाया गया। तो आप इफिशियंसी में डब्ल्यू बाई क्या लिखते हो, डब्ल्यू बाई क्यू एच लिखते हो, जो हीट आया है सिस्टम में केवल वो इनपुट वही है। अब ये आइडिया मिला कि क्यू ए बी ही क्यों लिख रहे हैं, क्यू डी सी डी क्यों नहीं लिखेंगे? यस सर। अगले पेज पे चलो। एक मिनट सर। यस सर, हो गया। अरे आराम से लिखो भाई। यहां अब सोचो, इफिशियंसी जब देख रहे हो, डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए, और डिवाइड किससे करना है,
डब्ल्यू ए बी से, ये आ जाएगा डब्ल्यू ए बी बाय डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए बाय डब्ल्यू ए बी। और यहां पे भी डब्ल्यू बी सी और डब्ल्यू डी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू बी सी जो था ग्रेटर देन जीरो है और डब्ल्यू डी ए लेस देन जीरो है। उनमें भी खास बात क्या है कि डी क्यू आप लिखना जानते हैं, एडियाबैटिक का तो जीरो है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। अब एडियाबैटिक की तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ एडियाबैटिक वाले दोनों थे ना बीसी और डीए, तो एक पॉजिटिव है क्योंकि एक्सपेंशन और एक नेगेटिव है क्योंकि कंप्रेशन। तो अपने पास जो आ गया वो आ गया वन प्लस डब्ल्यू सी डी बाई डब्ल्यू ए बी, और वही जब थोड़ा एनहांस करते हैं तो ये निकल के चला आता है वन माइनस टी लो बाई टी हाई। सर कैसे आता है थोड़ा सा और बताओ, पहले तो यहां तक पहुंच जा। अरे डीसी पॉजिटिव का डीए नेगेटिव का तो ये सेम है इसलिए कैंसिल हो। हाँ वो सेम प्रूफ करना पड़ेगा आगे। और डब्ल्यू सी डी कैसा प्रोसेस है आइसोथर्मल नेगेटिव है सर, आइसो आइसोथर्मल कंप्रेशन। हाँ आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन है कैसे लिखते थे, ये हो जाता माइनस डब्ल्यू सी डी लिख रहे हैं माइनस या प्लस में पहले लिख रहे हैं, तो एन आर टी लो एल एन वी डी फाइनल बाय वी सी, जबकि वी डी छोटा है ये तो नेगेटिव हो जाएगा, अपॉन प्लस एन आर टी हाई एल एन वी फाइनल वी बी बाई वी ए, तो नीचे वाला तो पॉजिटिव है ऊपर वाला नेगेटिव आ रहा है, तो वन माइनस टी लो बाई टी हाई एल एन वी बी बाई वी सी कर दिया या वी सी बाई वी डी कर दिया, वी सी बाई वी डी, और डिनोमिनेटर में एल एन वी बी बाई वी डी। और हमें ये भी प्रूफ करके कट कर देना पड़ेगा, बराबर होते हैं वन माइनस टी एच बाई टी एल हो जाएगा, नीचे वी बी बाई वी ए। हाँ वी बी बाई वी ए है, वी बी बाई वी ए, थैंक यू। वन माइनस मैं ठीक से लिख देता हूँ, रुक जाओ बाहर, इसलिए सी को पहले ले लिया, अपॉन एल एन वी बी बाई वी ए। और ये कब कैंसिल आउट होगा, जब वी सी बाई वी डी हम प्रूफ कर देंगे वी बी बाई वी ए होगा तब। अभी प्रूफ करना क्या बाकी रह गया है, ये कैसे कैंसिल आउट हो रहा है इस बात को प्रूफ करेंगे। सर वो रिजल्ट में 1 माइनस TL बाय TH फिर से बोलो भाई। सर रिजल्ट में 1 माइनस TL बाय TH नहीं आएगा। हाँ TL बाय TH आएगा, यहाँ मैंने गलती से आगे ये लिखा है TL बाय TH, और वैसे क्यों, क्योंकि उसके पीछे यहाँ लिख देंगे सिंस LN VC by VD equals to LN VB by VA, ये प्रूफ हो जाएगा, ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी। सर सेकंड स्टेप के बाद आपने किया क्या?
ये एक आइडिया किसके का यूज कर लिया कि एडियाबैटिक वाले कैंसिल आउट हो गए, तो ये थर्ड स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप का ये काम से थर्ड स्टेप पे पहुंच गए कैंसिल आउट होके। और अब वर्क डन सीडी का कोई फॉर्मूला याद है आइसोथर्मल का, या वो भी नहीं याद? अरे हाँ ना, तो बता दो बालक, आइसोथर्मल का वर्क डन याद है? तो वो फॉर्मूला लिखा है, और कहाँ बड़ा काम किया है कोई? आइसोथर्मल के वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? एनआरटी लॉग बी फाइनल बाय बी माइनस बी फाइनल, वही तो लिखा है। ओके, पहले यहां तक पहुंचो, फिर मैं हटाता हूं। तो कार्नोट इंजन एक थ्योरेटिकल इंजन है, ऐसा इंजन आज तक बना नहीं है और ना ही आगे बनेगा। तो कोई भी इफिशियंसी जो होगी टीएल और टीएस के बीच काम करने वाले इंजन की, 1-TL/TS से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। इवन इसके बराबर वाला भी कोई कह रहा है कि मैंने इंजन बनाया ये खरीद लो आप, आपके ना 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 ये पॉसिबल नहीं है, इससे कम इफिशियंसी वाले बनते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकली एक थ्योरम है जो कि कह रहा है, कार्नोट थ्योरम, कि कोई भी ऐसा इंजन नहीं हो सकता जिसकी इफिशियंसी कार्नोट इंजन की इफिशियंसी से बराबर। थ्योरेटिकली तो ये इंजन बनता है कार्नोट इंजन, जिनके चार प्रोसेस हैं साइकिल में, दो एक्सपेंशन और दो कंप्रेशन, लेकिन प्रैक्टिकली वो भी नहीं बन पाया है, वो भी नहीं बनेगा। अब कैसे प्रूफ किया जाएगा वर्क डन का और ये लॉग वाला वैल्यू ये बराबर है, उस पे काम करेंगे 2 मिनट बाद। वर्क डन का कोई फॉर्मूला याद है क्या? वर्क डन बीसी, ध्यान से देखिएगा क्या लिखते थे। वर्क डन बी से सी, याद करिए, W हो जाता था N R DT, T low B से C, T low minus TH upon gamma minus 1 माइनस के साथ, और डब्ल्यू डी ए कितना हो जाता था, माइनस एन आर टी एच माइनस टी एल अपॉन गामा माइनस वन। तो उन दोनों को देखो, वो एक जैसे हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे एडियाबैटिक का वर्क डन याद है या वो भी नहीं याद है? भूल गए होंगे। देखो यहाँ तुम्हारे सामने प्रोसेस क्या था, ये एक्सपेंशन कंप्रेशन, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम। आपको क्या करना है, ए से बी के लिए देख रहे थे, ये बी से सी के लिए, पहले ए और बी में रिलेशन देखिए, पी ए वी ए बराबर पी बी वी बी, एक रिलेशन। दूसरा पी बी वी बी टू द पावर गामा माइनस वन इक्वल्स टू पी सी वी सी टू द पावर गामा माइनस वन। फिर तीसरा PD VD equals to PC VC, वहां दूसरा नंबर को भी ये कर सकते हैं, अपोजिट ढंग से लिख सकते हैं। और तीसरा PA PD VD to the power gamma minus 1 equals to PA VA to the power gamma minus 1, ये सारे रिलेशन है, इन्हीं को मैनिपुलेट करके हमें दो चीजें प्रूफ करनी है, दो चीजें नहीं अब एक ही प्रूफ करना है। वर्क डन तो कैसे लिख रहे थे, मैं एक बार और लिख के बता देता हूँ।
वर्क डन एडियाबैटिक के लिए जब लिखते हैं, एडियाबैटिक में वर्क डन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं एडियाबैटिक में वर्क डन, याद करो कोई फॉर्मूला जो था, यदि याद आ रहा हो तो। एक फॉर्मूला हुआ करता था वर्क डन, जैसे बीसी लिख रहे हैं तो माइनस डीयू लिखा करते थे, माइनस एन सी वी डी टी लिखा करते थे, माइनस एन आर बाय गामा माइनस वन डी टी लिखा करते थे, माइनस एन आर टी एट सी माइनस टी एट बी लिखा करते थे बाय गामा माइनस वन, और या इसे लिख सकते थे आप एन आर टी एट बी हो गया टी हायर माइनस टी लोअर पॉजिटिव में अपॉन गामा माइनस वन। और उसी तरह वर्क डन डी ए देख सकते हैं, माइनस डी यू हो जाता है, और डी यू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस एन सी वी डी टी माइनस एन आर टी एट एच माइनस टी एट एल अपॉन गामा माइनस वन। अब यदि इन दोनों को आप देखें, इन दोनों को फॉर्मूले को देखें, तो क्या इन दोनों फॉर्मूले देख कर नहीं लग रहा है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, सम करेंगे तो जीरो हो जाएगा, लग रहे हैं या नहीं? Yes, sir. तो यहां से क्या निकल के चला आया, ये हम देख रहे हैं कि ये निकल के चला आया है माइनस डब्ल्यू बी सी। तो इससे हमें ये पता चल गया डब्ल्यू डी ए प्लस डब्ल्यू बी सी इक्वल्स टू जीरो। एक पार्ट तो क्लियर है, अब वो लॉग वाला कैंसिल कैसे हुआ उस पर विचार करते हैं। लॉग वाला था क्या? हाँ नोट कर लो पहले यहाँ पर, अब वर्क डन जो लिख रहे थे ना, वर्क डन यहां लिख रहे थे इन दोनों जगहों से हमें क्या प्रूफ करना है, लॉग में आया जो था याद करो तो लॉग में क्या आया था, नीचे था वर्क डन ए बी, ऊपर में था वर्क डन सी डी बाय वी डी और एल एन वी सी बाय वी डी, और इसको हमें बराबर प्रूफ करना है किसके, एल एन वी ए वी बी बाय वी। हाँ इसको प्रूफ करना है एल एन वी बी बाई वी ए, ये हमें प्रूफ करना है। एक काम करते हैं, यहां चेक करो इन इन्हीं इन्हीं चारों को मैनिपुलेट करके ये रिलेशन आएगा, या लॉग हटा दो तो, लॉग हटा दो तो ये आ जाने वाला है वी सी बाई वी डी इक्वल्स टू वी बी बाई वी ए। वी सी बाई वी डी इक्वल्स टू लाना है हमें वी बी बाई वी ए,
ये इधर चार जो रिलेशन है ना, इन्हीं को मैनिपुलेट करना है, मैं नहीं कर रहा, तुम लोग सोचो अपने अपने लेवल पे, देखो मैनिपुलेट करो अपने अपने लेवल पे, इसे मैनिपुलेट करो, मैं वेट करता हूँ, करके बताना मुझे।